गाइज़ वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? और देखने वाली हूँ आज किस रकार रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, तो इस वक्त वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर के। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जनरल टैरो का रीडिंग है तो जनरल तरीके से ही देखिएगा। जल्दी से चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है इस वक्त क्या आ रही हैं आपको लेकर। वाओ, द टू ऑफ कप्स कार्ड बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कहना चाहता है ये कार्ड। कहने का आपके पर्सन एक्चुअल में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं उनके मन में जो आपसे करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं। बिकॉज ये जो कार्ड है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई प्रपोजल है उनके पास या कोई कमिटमेंट है जो वो आपको देना चाहते हैं बहुत जल्द। बिकॉज आपके लिए इतनी ज़्यादा लवली फीलिंग्स उनकी कहीं ना कहीं मुझे देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। डिवाइन का, गॉड का ब्लेस भी नज़र आ रहा है और एनर्जीज को देखती हूँ क्या कुछ फील कर पा रहे हैं वो। ओके, द डेविल, कहीं ना कहीं डेविल की कार्ड की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। जो नो कॉन्टेक्ट जोन है या फिर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन में मूव ऑन हो गए हैं, तो ये सारी बातें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। कहीं ना कहीं आप डीप पेन में हो अंदर से बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप उदास हो जाते हो कभी कभी, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा स्टैम का इंतजार करते हो जो आपके जो पर्सन है आपके लाइफ में कमबैक हो जाए, क्योंकि आप उनसे दूर होकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दुखी हो, उदास हो, आप चाहते हो जल्दी से आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल और इनोसेंट एनर्जीज मुझे यहाँ आपकी मिल रही हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशन में बहुत एफर्ट्स दिए हैं और बहुत अपने पर्सन का हमेशा अच्छा चाहा है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन अचानक से बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के या फिर बिना किसी कुछ आपसे कहे, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जब मूव ऑन हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है उस चीज़ के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपकी मुझे वेटिंग पोजिशन भी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आप इनकम्प्लीट भी फील कर रहे हो और चाहते हो कि जो टाइम है जल्दी से पास हो जाए, कि जो टाइम है जल्दी से गुजर जाए, वो टाइम जल्दी आपकी लाइफ में आए जब आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ जाए। सो आपकी देखती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं। पहले मैं एनर्जीज को लूँगी फिर मैं रीड आउट करना स्टार्ट करूँगी। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन के, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। फाइनल डिसीजन है आपके पर्सन का कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, कमबैक होना चाहते हैं। सारी कुछ चीज़ें जो है ना, अब उनको कुछ भी रोक नहीं पाएगा ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन है। बिकॉज बहुत कुछ समझ गए हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर पोजिशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं वो आपकी, कुछ आपको खुशी देना चाहते हैं, आपसे खुश होना चाहते हैं, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। बिकॉज वो सोचते हैं, ऐसा उनकी फीलिंग्स हैं ये, कि आपने हमेशा से उनकी स्ट्रेंथ बने हो आप, हमेशा आपने उन्हें ताकत दी है, हिम्मत दी है, उन्हें सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल हो चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट हो। अब उनकी बारी है, क्योंकि शायद पास्ट में उन्होंने अपने कुछ प्रॉमिसेस, कुछ वादे, कुछ कसम खाई थी, कुछ उन्होंने आपसे कहा था कि वो ऐसा पूरा करेंगे, उस चीज़ को निभाएंगे, पर उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को जब नहीं पूरा किया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं वो। द स्टार, टेन ऑफ सोर्ड्स, द मून, कहीं ना कहीं मून की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत दुखी हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारी दिशाओं से प्रॉब्लम्स जो है उनके पास आ रही हैं, प्रॉब्लम्स ने उनको घेर लिया है, बाहर निकलना चाहते हैं वो, टोटली आउट होना चाहते हैं इन प्रॉब्लम्स से, आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। पास्ट में जो डिसीज़न उन्होंने लिया, रॉन्ग लिया, वो रॉन्ग हो गया, उनकी रॉन्ग चॉइस हो गई, वो नहीं समझ पाए चीज़ों को, बट अब वो समझ गए हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से। कहीं ना कहीं उनकी इनर वॉइस ने उनको गाइड किया है, कहीं ना कहीं खुद से ही अपने मन से, अपने दिल से उन्होंने जब पूछा है तो सारी चीज़ों ने खुद से ही क्लियर हो गई है, क्योंकि हर इंसान खुद से जानता है, खुद से सारी चीज़ों को समझता है। बट आपके पर्सन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन के सिचुएशन से वो कब बाहर आएंगे। डीप पेन एनर्जीज कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, अलोन महसूस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, दुखी हैं, बट अब वो आपको इन एनर्जीज़ में नहीं देखना चाहते हैं कि जब वो आपकी लाइफ में कमबैक हो तब आप सैड हो, दुखी हो, ऐसी एनर्जीज़ वो नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी कहीं ना कहीं परवाह उन्हें हो रही है, बहुत ज़्यादा मन से आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड द हेरोफेंट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको अब ऐसा महसूस होता है कि उनकी वजह से शायद कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, उनके पास्ट के पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, उन्हें बुरा लगा,
अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो प्रॉमिस किया था ना उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। सो सोचिए क्या है वो प्रॉमिस जो वो पूरा करना चाहते हैं। आप जानते होंगे आपके पर्सन ने आपसे क्या प्रॉमिस किया है, क्या कुछ किया है, वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टाइम का वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पेन एनर्जीज में वो खुद भी हैं, बट चीज़ों को वो समझ चुके हैं। बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं लेसन मिला है आपके पर्सन को सारी चीज़ों से, कि जब एक पॉइंट ऑफ टाइम आया, जब वो अपनी लाइफ में अकेले हो गए, अलोन हो गए, तो सबसे ज़्यादा उन्हें सबसे पहले किसकी याद आई, सबसे ज़्यादा उन्होंने किसको मिस किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोचते हैं कि आप पे ही वो ट्रस्ट कर सकते हैं। आज भी जिसके ऊपर वो विश्वास करते हैं, किसके ऊपर विश्वास करते हैं वो इतना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं कि वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं, आपको मानते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए कहीं ना कहीं, जैसे जैसे वो आपसे दूर हुए, या फिर मैं कहूँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम से वो आपसे दूर हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस को बहुत समझने लगे, जबकि हो सकता है पास्ट में आपको इग्नोर करा, अवॉइड किया, उन चीज़ों से आपको भी हर्ट किया, बट अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को खुद से ही ठीक भी करना चाहते हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि सारी चीज़ें, गलती उनसे हुई है तो वही अब ठीक भी करेंगे और सारी चीज़ों को फ्यूचर तक लेकर जाएंगे और बहुत सुंदर बना देंगे। नाइट ऑफ वॉन्स की कार्ड की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब डीपली सोच रहे हैं, मैच्योरिटी लेवल से बिल्कुल भी। अब आपके पर्सन मिस्टेक अपनी लाइफ में नहीं करना चाहते, बिकॉज पास्ट में वो एक मिस्टेक कर चुके हैं, वो शायद थर्ड पर्सन के पास मूव ऑन हो गए, या फिर हो सकता है अपने करियर को या किसी और चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको महत्व नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दी, और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों से बहुत हर्ट हुआ, और आज खुद भी वो हर्ट हो रहे हैं, अकेले हो गए अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आप हर्ट हुई हो, आप अलोन हो गए हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा अलोन हो रहे हैं, इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। कुछ बातें हैं उनके मन में, कुछ चीज़ें हैं जो कहना चाहते हैं, बट वो किससे कहें, क्योंकि हर किसी के साथ वो जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी लाइफ में एक अलग प्लेस होती है, एक अलग वैल्यू होती है, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं, जो इनसे भूल चूक से पास्ट में ही छूट चुका है, पास्ट में रह गया है, वापस जाना चाहते हैं अपने पास्ट में, उस पास्ट को वापस लेकर आना चाहते हैं और उसे फ्यूचर तक लेकर आना चाहते हैं। देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन के बारे में आपके पर्सन क्या, कुछ नेक्स्ट एक्शन हो सकता है उनका स्नो कॉन्टेक्ट जोन में, ब्लॉक कम्युनिकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है इस वक्त हार्ट ब्रोकन एनर्जीज में है, चीज़ें जैसी सोची थी वैसी निकली नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो आपके पर्सन अब बस यही चाहते हैं कि जैसे कि मानो अब उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है, दूसरी मिस्टेक वो नहीं करना चाहते, आपकी लाइफ में बहुत जल्द कमबैक होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत विश्वास है उन्हें आपके ऊपर, फेथ है, कहीं ना कहीं लवली एनर्जीज तो है ही उनकी आज आपके लिए, बट रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, समझ चुके हैं सारी चीज़ों को, अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस पर्सन को आज गुस्सा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, क्यों मैंने सारी चीज़ों को नहीं समझा, या फिर क्यों मैंने इंपॉर्टेंस हर चीज़ को नहीं दी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में उन्होंने कोई ना कोई गलती तो की है, जिस वजह से आप हर्ट हुए हो, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो समझ कर भी आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि अब वो आपसे कॉल या मैसेज के बजाय सीधा आपसे मिलना चाहते हैं और आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और कभी भी उस चीज़ को अब रिपीट नहीं करना चाहते हैं, जिससे आप लोग बिल्कुल भी जो हो कभी भी सेपरेशन में ना हो, ऐसा चाहते हैं आपके पर्सन। कोई ना वैंड्स की कार्ड की एनर्जीज भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पर्सन कंट्रोलिंग नेचर का है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, बट आपके पर्सन के ऊपर तो जैसे अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें सारी वही चीज़ें करनी है जिसमें वो सोचते हैं कि उनकी रियल हैप्पीनेस है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं, और सब चीज़ें जो खुद से वो समझते हैं, खुद से आज वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझे हैं, खुद से आज वो सारी चीज़ें जो हैं खुद से ही समझी है, बिल्कुल एक टाइम ने उनको सारी चीज़ें उनके सामने ला कर खड़ी कर दी हैं कि क्या चीज़ें सही हैं उनके लिए और क्या चीज़ें हैं जो उनसे रॉन्ग हो गई थी। तो आज खुद ही वो आपकी कहीं ना कहीं इनोसेंट नेचर की वजह से आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो काइंडनेस है उनको जो हीलिंग करती है, या फिर उनको अच्छा पहुंचाती है, कुछ उनको अच्छा महसूस कराती है, कहीं ना कहीं आपसे मिलना है, फिर आपसे बात करना, एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर जो आपके पर्सन को बहुत पसंद आती है। तो उन्हीं चीज़ों के सहारा जब आपके पर्सन जो है ना वो आपकी लाइफ में कम बैक हो रहे हैं। एंड यही थे आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हो। एंड टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।